कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में ड्राई रन चल रहा है। मैं मेरठ में हूँ, मेरठ का ये द्वाराला उपकेंद्र है जहाँ पर आज वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से लोगों को टीकाकरण होगा, उसके लेकर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। मॉक ड्रिल है, तो आइए देखते हैं मॉक ड्रिल में किस तरीके की तैयारियाँ यहाँ की गई हैं। ये मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, ये बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या परेशानियाँ आई। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट V1 है, ये सुरक्षाकर्मी है, यहाँ पर ये सैनिटाइज करते हैं इसको, और अपने जो भी अभी एक लाभार्थी भी हैं देखिए जिनको सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके बाद एक लिस्ट रहती है इनके पास जो हमारे लाभार्थियों की सूची है, इसको जो है यहाँ से ये वेरीफाई करते हैं इनकी ID देख के, और थर्मल स्कैनिंग से इनका जो है टेम्परेचर चेक करते हैं। ये यहाँ पर थर्मल ये हमारे सुरक्षाकर्मी और सैनिटाइजर का काम इस हमारे यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। इसी ये सर, क्या ये जो मॉक ड्रिल है, ड्राई रन है, जिस तरीके से आज व्यवस्था की गई है, तो वैक्सीनेशन के दौरान भी क्या इसी तरीके से सारा प्रोसीजर होगा? क्या ये इसे माना जाए कि एक तरीके से वैक्सीनेशन को की पूर्ण व्यवस्था है? हाँ, ये वैक्सीनेशन की एक तरह से पूर्ण व्यवस्था है। इसमें हमें जो भी आप परेशानी आएंगी तो अपनी हम इसको इम्प्रूव करेंगे ताकि वैक्सीनेशन जो हमारा एक्चुअल होगा उसमें हमें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमारा जो कैंडिडेट आता है वो हमारा ये लाभार्थी सत्यापन रूम है, इसमें हमारा जो है लाभार्थी जो है वो चेक करते हैं उनको, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद अपनी जो है ID वेरीफाई दोबारा करके उनको जो है सीधे वैक्सीनेशन चैम्बर में भिजवाते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। ये पूरी लिस्ट है लाभार्थियों की जिनको फर्स्ट फेज में, ये सर फर्स्ट फेज वाले जो जिनको बेनिफिशरीज हैं, ये फर्स्ट फेज वाले बेनिफिशरीज की लिस्ट है। ये पूरा डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास तैयार है, सब रजिस्टर्ड है। सर एक चीज़ आ रही है सामने सुनने में कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको कोई वैक्सीन नहीं लगेगा। किस तरीके से उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? उसके लिए हमारे अभी जैसे प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है टीकाकरण, तो उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। हमारे 634 लाभार्थियों की लिस्ट बनी है यहाँ पर CSC द्वारा, तो उसी में जिसके सभी जो लिस्ट हमने प्रोवाइड की है अपना डाटा, उन्हीं को अभी टीकाकरण लगेगा। उसके बाद जैसे सरकार की गाइडलाइन आएंगी तो उसके अनुसार दूसरे चरण में उस हिसाब से टीका लगेगा। क्या वैक्सीनेशन के दौरान किसी को अपनी कोई ID दिखानी है, या किस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि ये वही बंदा है जिसको? इसके लिए जैसे सरकार की गाइडलाइन भी आई है, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके वो आएंगे। इसके बाद सर कौन सा चरण फॉलो करना है? ये हमारे टीकाकरण कक्ष है, ये टीकाकरण कक्ष है, और इसमें ये वही कक्ष है, ये वही रूम है जिसका इंतजार बेसब्री से पूरी दुनिया कर रही है। वैक्सीनेशन का इंतजार पूरी दुनिया को था। यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा। सर अभी आज यहाँ टीकाकरण हो रहा है, क्या एक्चुअल टीकाकरण हो रहा है, या ये जो प्रोसीजर है मॉक ड्रिल के दौरान क्या लगाया जा रहा है? अभी इस मॉक ड्रिल में कोई अभी वैक्सीन नहीं आई, सिर्फ मॉक ड्रिल की जा रही है, तो इसके लिए अभी हम केवल डमी टीकाकरण करते हैं इसमें, तो उसमें प्रोसीजर सारा वही फॉलो किया जाता है जो टीकाकरण का होता है। जैसा लाभार्थी हमारे पास आया है तो यहाँ पर जो हमारी बहन जी हैं ये इसको दोबारा वेरीफाई करेंगी, तो ये तीसरा चरण है जहाँ वेरीफाई होता है ये लिस्ट में कि जो आदमी बाहर से आया है टीकाकरण के लिए उसकी ID दोबारा वेरीफाई करेंगी। उसके बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर है कोविन ऐप, उस पर जो है बहन जी अपलोड करेंगी। ये कोविन ऐप है जिसको मैम एक बार प्लीज़ दिखाइए कि कौन सा ऐप है। ये कोविन ऐप जहाँ पर अभी ये रेखा रानी आई है, ये देखिए प्रॉपर पूरी सतर्कता के साथ पूरी फ्रिक्वेंसी के साथ सब कुछ डेटा पहले चेक किया जा रहा है। ये जो डेटा चेक किया जा रहा है इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि जो भी आदमी हमारा जो एक्चुअल लाभार्थी है वही टीकाकरण करवाए। आपको कोरोना का टीका लगाएंगे इस दूसरा टीका 28 दिन बाद लगेगा आपको, ठीक है। इससे थोड़ा सी परेशानी हो सकती है, जैसे दर्द होना, खुजली आना और बुखार आना, ये हो सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, फिर भी आप ये ना समझे टीका लग चुका है हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, नहीं। आपको डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क भी लगाना है, हाथ सैनिटाइज भी करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको टीका लगाऊंगी। इसके साथ साथ हमारा जो है वेस्ट मैनेजमेंट का भी साथ साथ ही हम रखते हैं। ये यहाँ पर 4 बकेट हैं यहाँ पर,
जो ब्लैक बकेट है उसमें उसमें रैपर डालेंगे, जो हमारा रेड बकेट है उसमें उसका रबर का पार्ट वो डालेंगे, और जो हमारा हमारा जो ब्लू बकेट है इसमें हमारा कोई भी स्वयं होगा जो ब्लड कॉन्टैक्ट से होगा वो डाला जाएगा, और जो हमारा ब्लू बकेट है इसमें जो है जो जो हमारी वायल होंगी वैक्सीन की जो भी कांच होगा वायल होंगी वो इसमें डाला जाएगा। ये प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का के लिए चला जाएगा, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है, किसी भी तरीके से यहाँ पर संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रभावी इंतजाम है। और ये देखिए सीधे हाथ पर वैक्सीनेशन, कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो सीधे हाथ पर होगा। ये मैम ये जो आपके हाथ में है ये इंजेक्शन, ये टीकाकरण के लिए जो सिरिंज है इसमें क्या है? इसमें जीरो अभी ये मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के दौरान आप लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं? अभी इसमें हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हम देख रहे हैं कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, उसके प्रोसीजर क्या रहेगा। अच्छा, पूरा प्रोसीजर वही है जो टीकाकरण के दौरान फॉलो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पूरी पूरा देश ये जानना चाहता था कि आखिर ड्राई रन है क्या, और क्या ड्राई रन में वैक्सीनेशन ओरिजिनल वैक्सीन लगेगी, लेकिन नहीं, ड्राई रन के दौरान ओरिजिनल वैक्सीन नहीं है, अभी सिर्फ ये डमी है जिसको फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद सर कौन सा चरण है, इसके बाद क्या किया जाएगा? इनको टीका लगा दिया गया है, टीका लगा दिया गया है, तो इनको अभी ये इन्फॉर्मेशन देंगी, उसके बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसके में रखेंगे इनको हम 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के दौरान क्या मतलब क्यों 30 मिनट्स के लिए रखते हैं कि कोई भी हमारी AFI जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होते हैं वो ऐसा कोई भी हो, उसमें तीन तरह के होते हैं, एक तो माइनर होता है, माइनर में जैसे सिर में दर्द हो गया, भारीपन हो गया, कोई रैशेज आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये टीकाकरण का पूरा चरण फॉलो हो चुका है, अब हम मुड़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन रूम की ओर, वहाँ देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन रूम की में क्या तैयारियाँ हैं, क्या वहाँ किया गया है। ये पर्यवेक्षण का कक्ष है, ऑब्जर्वर रूम, यहाँ पर जब वैक्सीनेशन का चरण शुरू होगा उस वक्त ऐसे ही हर कक्ष पर लिखा जाएगा लोगों को ये बताने के लिए, बेनिफिशरीज को बताने के लिए कि कहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। अभी हम ऑब्जर्वेशन रूम में आ गए हैं, यहाँ पहले से ही काफी लोग बैठे हुए हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है। ऑब्जर्वेशन रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, AFI कक्ष है ऑब्जर्वेशन रूम है, इसमें हमारे पास एक AFI किट है, जिस किट में हमारे पास जो है एड्रेनलिन का इंजेक्शन है, हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन है, IV फ्लूइड्स है, उनको लगाने का सारे सिरिंजेस हैं। जो किट है ये बेसिकली है क्या और ये क्यों रखी गई है? ये हमारा जैसा एक बार दिखाइए किस तरीके से किट है ये, जैसे अभी हम देखेंगे कि क्या इस किट में क्या क्या है और ये क्यों यहाँ पर इसका होना जरूरी है। ये किट यहाँ पर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि कोई भी हमारा AFI होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो उसको हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि हम उसमें देखें कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। उसके लिए हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे हम उसकी पल्स और सैचुरेशन देखते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये इसे पल्स चेक की जाएगी, किसी वजह से टीकाकरण के दौरान पल्स कम हो जाती है, हाँ, ज्यादा हो जाती है, उसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर नापेंगे, उसके बाद अगर पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर हमारा जो मेजर इसमें सीवियर FIM आ रहा है, तो या जैसे चक्कर खा के कोई आदमी गिर गया, तो उसके लिए हमारे पास बेड है यहाँ पर। सर इस किट का जो प्रयोग है वो सभी बेनिफिशरीज पे किया जाएगा जिनका टीकाकरण हो गया? या इसकी जो प्रक्रिया रहेगी उसमें तीन चरण होता है, एक होता है माइनर FIM जिसमें केवल पेशेंट को एंग्जाइटी हो जाती है कि सिर में दर्द बता रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उसको हम आके यहाँ मॉनिटर कर देते हैं, उसको एंग्जाइटी दूर करते हैं। सेकंड जो होती है वो सीवियर होती है, उसमें क्योंकि फीवर आ जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो उसको मैनेज करते हैं। थर्ड जो होती है सीरियस होती है, जिसमें कि आदमी चक्कर खाकर गिर जा रहा है, ठीक, क्लस्टर हो जा रहा है, बाद AFI हो गया, तो उसके लिए हमारा यहाँ बेड है हमारे पास, उसको हम यहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। ये यहाँ पर ये इस तरीके से बेड की व्यवस्था की गई है, किसी भी पेशेंट को अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है वैक्सीनेशन के दौरान, इसको 30 मिनट की निगरानी में रखा जाएगा, पेशेंट को बेनिफिशरीज को 30 मिनट की निगरानी में रखा जाएगा। 30 मिनट के दौरान उनमें कुछ भी किसी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं, सांस फूलती है, पल्स डाउन हो जाती है, BP कम या ज़्यादा हो जाता है, या कोई और समस्या आती है, कोई सीवियर प्रॉब्लम भी आती है, तो यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। सर कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है, एम्बुलेंस तैयार गेट पर खड़ी है जिस पर AFI एम्बुलेंस लिखा हुआ है, उसको हम जो है उस पेशेंट को शिफ्ट करके अपने हार्ट सेंटर पर, लेकिन उससे पहले हम उसको जो बेसिक ट्रीटमेंट यहीं पर देते हैं, जैसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन देना है, IV लाइन मेंटेन करनी है उसकी, ऑक्सीजन सप्लाई अगर उसको दिक्कत है तो वो सपोर्ट देगा, तभी हम उसको शिफ्ट करेंगे। वैक्सीनेशन के दौरान जिसको फॉलो किया जाएगा प्रॉपर वही चरण है, आज सिर्फ इसका ड्राई रन है, ये ड्राई रन के दौरान ये सभी बेनिफिशरीज हैं।
और इसी के साथ ये 30 मिनट की निगरानी के बाद वापस बेनिफिशरीज को उनके घर भेज दिया जाएगा। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।